हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो ये कॉमेडी फिल्म है और कॉमेडी तो इनका जॉनर है, इनका सबसे प्लस पॉइंट है. और मैंने जो भी गाने देखे हैं, जो भी कपल ऑफ सीन्स है और ट्रेलर से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ. और मैं जानती हूँ कि कृष्णा ने तो कमाल किया ही है, लेकिन सारे कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है. देखिए नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाई अब तक, लेकिन मैं भी नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि पूरे पब्लिक और प्रेस के साथ ही देखूँ ताकि जेन्युइन रिएक्शन मुझे भी मिले. काफ़ी कॉमन सा टाइटल होता है तेरी भाभी है, काफ़ी रिलेट करते हैं सबके सब. मुझे पता नहीं सब रिलेट करते हैं कि ना, कृष्णा जरूर करता होगा. कृष्णा कुछ याद आता है ये टाइटल सुन के? मेमोरी ये टाइटल मेरा ही दिया हुआ. हाँ एक्चुअली तो इतने साल की जो मेमोरी है उसी का नतीजा है ये, उसी का निचोड़ है. तेरी भाभी है पगले. ऑल द बेस्ट कहा मैंने. और क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत अलग से अलग टाइप की फिल्में चल रही है और ये बहुत अलग फिल्म है. इट्स फन, फुल एंटरटेनमेंट. और पब्लिक को वही तो चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आई एम वेरी हैप्पी कि वो एज अ हीरो आ रहा है. एंड यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड. और काफ़ी सारी फिल्में कर रहे हैं, टुडे इज हिज फर्स्ट मूवी, सो वी आर वेरी हैप्पी. और ये तो फिल्म अच्छी है ही, एक कमाल की हम लोग एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मरने भी दो यारों, जिसकी डायरेक्टर कश्मीरा है. तो आप मुझे उस फिल्म में देखेंगे ऐसा मुझे कभी नहीं देखा होगा. तो जो ये मुझे प्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि ये इनसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता, आप देखना बहुत बढ़िया होगा. हाँ नए एक्टर को भी मेरे कज़िन हैं ऋषभ चौहान करके, वो यहीं पर हैं और उन्हीं के साथ ये हम फिल्म कर रहे हैं. वो एक इट्स अ कॉमेडी फिल्म विद अ ट्विस्ट. बहुत सारे लोग अपने लाइफ पे गिव अप करते हैं. आजकल इंस्टाग्राम और ट्विटर का ज़माना है, सब झुके रहते हैं, फ़ोन पे देखते हैं. तो हर चीज़ बहुत आसान हो चुकी है, एग्ज़ाम्स आसान हो चुके हैं, मैरिजेज आसान हो चुके हैं, ब्रेकअप्स आसान हो चुके हैं, वैसे सुइसाइड भी आसान हो चुके हैं. तो इट्स अ फिल्म अबाउट गिविंग होप कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, नो नीड टू किल योर सेल्फ. लेकिन क्योंकि डार्क कॉमेडी है, इट्स कॉल्ड मरने भी दो यार. थैंक यू. आसान रहेगा आपके लिए डायरेक्शन? अबे ऑलमोस्ट फिनिश्ड. ओके थैंक यू. ऑल द बेस्ट. जिम करता हूँ रेमो सर के साथ में, तो ज़्यादा उनके पास भटकता रहता हूँ ताकि वो एक दिन बोल दे कृष्णा यार चलो मैं ABCD4 बना रहा हूँ, मेरे चार पांच लड़के लौंडे लोग हैं वो सलमान और धर्मेश और ये, और तुम भी आ जाओ साथ में ऐसा. ओके सर फाइनली कल मूवी रिलीज होने जा रही है, व्हाट रियली मैटर फॉर यू? लाइक हम देखते हैं ज़्यादा करके लोगों के लिए बॉक्स ऑफिस आजकल ज़्यादा कलेक्शन होता है, व्हाट रियली मैटर? लाइक ऑडियंस अप्रिसिएशन. ओ बॉक्स ऑफिस ये भाई अप्रिसिएशन तेल लगाने गया और इधर उधर सब ठीक है, वो सब अपने हिसाब से सब पेपर वाले लिखते हैं, लेकिन पैसा कमाना चाहिए है ना, पैसा मेन होना चाहिए. पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे हिट है तो हिट है, अगर पिक्चर अप्रिशिएट हो गई है बॉक्स ऑफिस पे 2 करोड़ तो आप अगली पिक्चर कौन बनाएगा उनके साथ? एक्चुअली क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हिट हो क्रिटिकली अक्लेम हो जो भी हो, एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी जब तक मिलती जाएगी तब तक वो अपने आप को प्रूव करते कर पाएंगे. मेरा थोड़ा तरीका कुछ दूसरा है, बट आई फॉर मी इट्स बोथ, आई हैव टू गेट अप्रिशिएटेड. And I also want to make my producers happy. के producer भी खुश रहें और हम actors भी creatively satisfied रहें. It has to be a blend of both. So अब कौन सा काम किस लिए करते हैं? हम actors को ना सबसे पहले पता होता है क्योंकि वो सबसे पहले script पढ़ते हैं. We are our own first audience to our own work, you know. So we know which film fits into which segment of audience. Especially when you do TV, जितना कृष्णा ने कितने साल से काम कर रहा है, मुझे 9-10 साल हो गए काम करते हुए, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी ऑडियंस किस फिल्म को किस नज़र से देखेगी. सो आफ्टर अ पॉइंट वी नो हाउ अ फिल्म इज गोइंग टू फेयर लिटिल बिट. लास्टली अपने ऑडियंस को जानते हैं पिक्चर के बारे में. प्लीज़ ये प्रोड्यूसर सब गरीब लोग हैं और इन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो ये सब चाहते हैं इनको पैसा आए. कुछ आज लोग मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के आप लोग गरीब की मदद करते हैं, हिंदुस्तानी हैं, मोदी जी के फ़ैन हैं, तो कोई गरीब मर जाए उससे अच्छा थिएटर में आओ और 100-100 रुपया दे के वो गरीब की मदद करो, उसके बाद पैसा आए एंड इन्जॉय. रजनीश काफ़ी कम समय है पिक्चर को रिलीज की और इस तरह का रोल, इस तरह
डेफिनेटली देयर नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है और कुछ ही घंटे रह गए जैसा आपने बोला. और तेरी भाभी है पगले जो है कृष्णा और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हैं क्योंकि मेरे लिए स्पेशली एक पहली कॉमेडी है और व्हाट बेटर टू कम आउट विद कृष्णा एंड अच्छी स्टार कास्ट है हमारी. गाने टचवुड ऑडियंस को काफ़ी पसंद आए हैं, साथ में ट्रेलर भी जो है उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा है. हम लोग अभी तक जितने भी सिटी टूर्स करके आए हैं उसमें भी लोगों को मज़ा आया. अब आगे फ्रैंकली बताऊँ तो फिल्म हमने भी नहीं देखी इसलिए हम और नर्वस हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी लेट्स होप कि सब अच्छा हो एंड बाकी सब ऊपर वालों के हाथ में, बाकी ऑडियंस का प्यार है. पिक्चर का जो टाइटल है तेरी भाभी है पगले, ये तो मतलब एक कॉमन सी बात है जब हम कॉलेज में होते हैं. हाँ, और ये तो जब भी किसी लड़के को साइड में करना होता है तो एक लड़का बोल देता है अभी तू हट तेरी भाभी है पगले. सो ये तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि यूज़ किया गया है. पहले पिक्चर का नाम जो था वो लव इन गोवा था, जो कि एक रोमांटिक सा टाइटल था, एक अलग सी फील थी एंड वी ऑल वॉन्टेड कि थोड़ा कॉमेडी वाली फील आए. तो आई थिंक इससे एक ऑडियंस को सीधा पता है कि आप जा रहे हैं, अगर ऑडियंस तो आप कॉमेडी के लिए जा रहे हैं, आप अपना दिमाग भूल के आइए और आप बस पॉपकॉर्न खाइए, मस्त हो जाइए. जी जी, मैं अभी एक स्पोर्ट्स पे फिल्म कर रहा हूँ और एक आर्मी पे फिल्म कर रहा हूँ, डिफेंस पे. तो नेक्स्ट जो है मेरी तैयारी उसी पे हो रही है और फिर एक साइंस फिक्शन पे कर रहा हूँ. तो तीनों आगे वाले अलग जोनर्स हैं एंड कैरेक्टर्स भी बहुत ही अलग हैं. सी आई फ्रेंकली लव स्पोर्ट्स एंड डिफेंस, तो ये दोनों जो है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड अभी आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड वन हॉरर फिल्म, इट्स कॉल्ड मुश्किल. तो वो तो अब दो तीन महीने पोस्ट प्रोडक्शन में लगेंगे एंड उसके बाद वी ऑल रेडी. इसमें मैं हूँ और कुणाल रॉय कपूर हैं. सो आपको वो भी नेक्स्ट देखने को मिलेगा. थैंक यू, थैंक यू. वो एक बैकड्रॉप उठा के यार लगा दो ना पीछे. बटरफ्लाइज है, आई मीन आई एम नॉट बटरफ्लाइज नर्वसनेस नहीं हो रही है मुझे, बस आई एम वेरी एक्साइटेड. आज मैं भी पहली बार पिक्चर देख रही हूँ तो बहुत सारा एक्साइटमेंट है. अब देखें क्या बनाया हमने. जी बिल्कुल, पहली बार तो किया है. इट्स भी एक्ट्रेस है इन द फिल्म ओनली, तो एक एक्ट्रेस का ही किरदार मैंने निभाया है. लेकिन इसमें मैंने काफ़ी एक वो यू नो दैट फैशन टाइप एक्ट्रेस जो बेसिकली वो एक स्टीरियोटाइप साइड कास्ट जो लोग एक इमेज है एक्ट्रेस की, उसको मैंने एक्चुअली आई हैव नॉट फॉलोड दैट. वो कोई कॉमन चीज़ हो गई है. मैंने काफ़ी अपना अपनी खुद की जितनी वो पर्सनैलिटी है वो प्ले किया है. एंड एक्ट्रेस इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल यू नो, है मेकअप वो हम लोग करते हैं, वी कम फॉर इवेंट्स, ग्लैमर, इट्स द फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मल. लेकिन बहुत ही आई फील लाइक फॉर मी एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो मैं बहुत ही कैजुअल रहती हूँ. दिस दैट वो दैट दैट नॉर्मैलिटी मैंने अपने कैरेक्टर में रखा है. हाँ हाँ, शूट में तो दिन भर इसकी बहुत खिंचाई होती थी गिद्दा की. इनको तो क्या क्या इन लोग ने करवाया और बेचारा मासूम है, कर भी लेता था. तो दिन भर तो किसी की टांग तो खिंचाई होती थी, या डायरेक्टर को परेशान करते थे, नहीं तो एक दूसरे को परेशान करते थे. क्योंकि यू नो यू नीड टू कीप दैट एनर्जी ऑल्सो काइंड ऑफ गोइंग के यू नो के कॉमेडी पिक्चर है, सबको एवरीबडी नीड्स टू बी इन द बेस्ट स्पिरिट इन द बेस्ट मूड्स. तो वी यूज टू ऑलवेज हैव फन ऑन सेट. थैंक यू सो मच. तो इसको जो है हम लोग इस फिल्म में लॉन्च कर रहे हैं मरने भी दो यारों में, एंड इज डन अ वंडरफुल जॉब. कितना आसान रहा और कितना कठिन रहा आपके लिए पूरा सफर? नहीं, आसान भी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे लिए ईजीली इसलिए हो गया क्योंकि कृष्णा भैया का मुझे बहुत सपोर्ट था, कश्मीरा ने कमाल का काम किया, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया था. इनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत कम आया था. अब आपके लुक समझ गए होंगे, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा था क्योंकि जॉब डायरेक्टर की है तो कैप्टन है, तो स्ट्रिक्ट होना बनता है. कॉमेडी मूवी में भी है, सेट में भी थी और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी फिल्म है. कॉमेडी भी होती है, भैया होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग एंटरटेनमेंट करता रहते हैं.
गाने के शूट गाने का शूट था एंड क्योंकि हमारे पास क्रू कम था तो गाने में वो बारिश का यू नो घुंडे गिरना थी इसर की बारिश तो ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड पुटिंग वाटर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. डायरेक्टर विनोद तिवारी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे हरीश जी और राज जी को जिन्होंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई और हम सब कॉमेडियंस कलाकारों को उन कॉमेडियन के साथ में खड़ा किया जो सुपरस्टार है. बड़ी अच्छी फिल्म है. मैं ये फिल्म कॉमेडी से ज़्यादा फैमिली एंटरटेनमेंट समझता हूँ क्योंकि इसमें म्यूज़िक मेरा बहुत फेवरेट म्यूज़िक है. इसमें एक्शन है, रोमांस है और कॉमेडी. मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है तेरी भाभी है पगले ये हर उस इंसान को पसंद आएगी जो भाभी से प्यार करता है. हमारी भाभी से, अपनी खुद की पत्नी से. आप क्या समझ रहे थे ये डीजे कितना की बातें बताओ. सो ऑल द बेस्ट सभी को. आप आइएगा भाभी है तेरी पगले क्योंकि 13 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है. 7वां महीना है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है. इंटरटेन करने खुद भाभी आई है. तेरा साथ है तो आइएगा मज़ा आएगा आपको. और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय करेंगे. ऑल द बेस्ट. भावना को समझो. बॉम्बे के ट्रैफिक में बच के एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ कॉमेडी फिल्म एंड जब फिल्म किसी भी फिल्म रिलीज होती है तो एक एक्साइटमेंट रहता है और मुझे लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव में देखा है. दे सी मी इन कॉमेडी फर्स्ट टाइम. सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मेरे को ऐसे जल्दी में जाऊँ फिल्म देखूँ. पिक्चर की बात करें तो कॉमेडी ही जॉनर की चूज करना था. लाइफ में वैसे बहुत स्ट्रेस है यू नो. वहाँ हर जगह स्ट्रेस ड्रामा. शूटिंग करते हो तो क्या होता है, तभी मज़ा आता है. आप कॉमेडी करते रहते हो, जब रिलीज़ होती है तो मज़ा आता है खुद को देख के एंड देन ऑडियंस ऑल्सो लाव्स ऑन यू. सो दिस इज़ फन. आई केम विद माय फैमिली टू आस्क देम हाउ दे एक्साइटेड. मैं ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं ट्राई कर रही हूँ. मैंने प्ले कॉमेडी किया है, मैंने सीरियल भी किया हुआ है कॉमेडी. बट फिल्म में कृष्णा एंड ऑल दिस पीपल आर देयर तो उनके साथ कोप अप करना मज़ा आता है. जब सामने एक्टर अच्छा होता है तो और अच्छा काम निकलता है. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. कृष्णा, मुकुल, रजनीश, नाजी और फ्रेंड्स सब ने मिलकर गोवा में शूट किए तो गोवा में मस्ती, ऊपर से हंसते रहो, पता ही नहीं चला फिल्म कभी ख़त्म हो गई और अब रिलीज़ भी हो गई. तो वेरी एक्साइटेड एंड आई होप हमने जितनी मस्ती की है ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा. अरे पेट में से जिटर होता रहता है, एंजाइटी, एक्साइटमेंट सब कुछ होता है. क्या होता है ना, जब ऑडियंस को अपना काम अच्छा लगता है तो वो और भी खुशी होती है एंड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी खुश होते हैं कि हम उनका काम अप्रिशिएट होता है. नाउ नेक्स्ट माई सॉन्ग इज़ कमिंग एज अ सिंगर जो अभी जुलाई में रिलीज़ होगा. तो इसके बाद मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स न्यू थिंग आई एम डूइंग एज अ सिंगर. लोगों को पता नहीं है तो मेरा गाना आ रहा है, रिलीज होगा. आप सब आपको बुलाऊंगी. आई एम सिंगिंग. I sang and I've directed the song. Okay. It's like a party song? It's a romantic song. I'm a die-hard romantic person. So it is romantic. फिर दूसरा वाला आएगा वो पूरा पार्टी सॉन्ग होगा. तो आजकल के यंगस्टर्स को वही पसंद है. So we are doing this. HMV is releasing the song. So I can't say right now, but you will get to know soon.